श्याम, आपको कहीं यह नहीं लगता कि वो मुसलमान से ज्यादा उसने सरकार की पोल खोलने का काम किया था, जिससे सरकार की फजीहत हुई और सरकार ने उसको अपने एक निजी तौर पे, सरकार ने, यूं कह लें, मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने एक अपना दुश्मन मान लिया, जिस वजह से उसको कोई सांत्वना के शब्द नहीं कहे। क्योंकि देखो, मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ 3 तलाक जैसे भी बिल लाने का प्रयास किया और भी बहुत सारे काम किए। उनके सारे जो काम थे उनके सेंटर में केवल मुसलमान था। और आप चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो जनसंख्या कानून को भी इस तरह, मतलब जो जनसंख्या कानून केवल न्यूट्रल कानून है उसको भी इन्होंने इस तरह से लाया कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इनको काबू में करना चाहिए। इनका चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज को टारगेट करना हो, NRCCA का पूरा आंदोलन हो, चाहे आप देखेंगे कि आजम खान को टारगेट करना हो, चाहे मुख्तार अब्बास सॉरी जो मुख्तार एक बाहुबली हैं उनको टारगेट करना हो, चाहे आजम खान को टारगेट करना हो, वो सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो बार बार ये आपके जहन में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर का, पाकिस्तान का, वो सारी इसलिए ली जा रही कि लोगों के जहन में मुसलमान आए। और मुसलमान के प्रति इस देश में केवल मुसलमान नहीं, मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति और हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति एक गैप गैप पहले से रहा है, और वो एक हिस्टोरिकल गैप है। जब तक लोग मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो गैप बना रहेगा, और इस गैप का फायदा इन्होंने लिया। तो इनके सारे काम इस तरह से होते हैं कि वो मुसलमान है, मैं एक्सपोज करने से ज़्यादा इनका संदेश ये था कि मुसलमान को तो हम बिल्कुल, अगर वो मारा गया तो हम सिंपैथी कर ही नहीं सकते। केवल यही नहीं था कि वो उसने एक्सपोज किया। अब अगर आप, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अभी कल जो पेगासस एक बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई पत्रकारों की, और उसमें जो कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने कथित तौर पर ये कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया से है, सरकार के कई मंत्रियों के बारे में ये आया है कि उनकी भी जासूसी हो रही थी। तो शीर्ष पे जो दो दो लोग बैठे हैं वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके नीचे, उनके शीर्ष पे जो दो लोग बैठे हैं उनके बीच में जो आएगा वो सब मान जी, लेंगे। आपका ये मानना है, या मतलब जिस तरह से और लोग भी मानते हैं कि भाई सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं और उसके आसपास कहीं कुछ हो रहा है तो सरकार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करती। सरकार, यूं कह रहे हैं, मोदी और अमित शाह की बात कर लें,